नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लर्न मैथ इजीली में। आज के वीडियो में हम थ्योरी ऑफ इक्वेशंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन का क्या मतलब हुआ, आज के वीडियो में मैं इसकी इंट्रोडक्शन दूंगी और नेक्स्ट में इसको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में ये वाला टॉपिक जो है मैं कवर करूंगी। इसका मतलब क्या हुआ, सपोज आपके पास में कोई भी एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है जिसकी डिग्री है एन, तो आपके पास में ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। अब आपको एक ऐसी इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसके जो रूट्स हैं वो या तो इसके रूट से के टाइम्स होने चाहिए, या फिर हो सकता है एक ऐसी इक्वेशन फॉर्म करनी हो जाए जिसके रूट्स जो हैं वो इस इक्वेशन के नेगेटिव हो, या फिर ऐसी कैटेगरी हो सकती है कि उससे कोई एक वैल्यू कम हो, या फिर इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो नई वाली इक्वेशन के स्क्वायर्स हो या फिर नई वाली इक्वेशन के क्यूब्स हो। इस तरह से हमें अलग अलग इक्वेशन फॉर्म करनी हम फॉर्म कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, यानी कि ये जो पूरी इक्वेशन है उसको एक नई इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाए। अब सपोज फर्स्ट कैटेगरी हम ले लेते हैं इसमें कि जहां पर रूट्स हैं वो के टाइम्स इन इस इक्वेशन के रूट्स हैं। तो यहाँ पर अगर सपोज इस इक्वेशन के हमारे पास में रूट्स हैं 1, 2, 3, के हमारे पास में कोई भी नंबर हो सकता है, तो हमें एक ऐसी इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसके रूट्स होने चाहिए के टाइम्स दीज रूट्स, यानी 1 × k, 2 × k और 3 × k, यानी कि k, 2k एंड 3k। तो हमें एक ऐसी इक्वेशन फॉर्म करनी है और k हमारे पास में कोई भी एक रियल नंबर हो सकता है। सेकेंड कैटेगरी हमारे पास में हो सकती है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन की, जहां पर हमारे पास में सपोज रूट्स हैं 3, 4, 5 और हमें नए रूट्स नई इक्वेशन ऐसी बनानी है जिसमें जो रूट्स होंगे वो इन रूट्स के नेगेटिव होंगे, यानी कि -3, -4, -5। तो सेकेंड कैटेगरी ये हो जाती है। थर्ड कैटेगरी हमारे पास में है, हमें एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जहाँ पर हमारे पास में एक फिक्स नंबर कम होना चाहिए उन रूट से। सपोज हमारे पास में रूट्स हैं 2, 3, 4, इस इक्वेशन के रूट्स हैं 2, 3, 4, यहाँ पर मैं कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ रूट्स ले रही हूँ, जैसे ये 3 रूट्स हैं, यानी कि हम क्यूबिक इक्वेशन को कंसिडर करते हुए बता रहे हैं, लेकिन आपके पास में कितने भी नंबर ऑफ रूट्स हों उसको लेकर आप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, एक नई इक्वेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज आपके पास में 3 रूट्स हैं 2, 3, 4, आपको एक ऐसी इक्वेशन निकालनी है नई इक्वेशन जो कि उससे एच फिक्स एच कम हो, यानी कि 2 - h, 3 - h, 4 - h, ये h कोई भी रियल नंबर हो सकता है। सपोज अगर h 1 हो गया तो हमारे पास में रूट्स हो गए 2 - 1, 3 - 1, 4 - 1, यानी कि 1, 2 and 3। तो जो हमारे पास में नई इक्वेशन आएगी उसके ये वाले रूट्स रहेंगे। फोर्थ कैटेगरी हमारे पास में होगी, हमें एक ऐसी इक्वेशन निकालनी है जिसका हम बोल देंगे या तो उसका एक्स स्क्वायर वाला कोएफिशिएंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, वो जीरो है, एक्स क्यूब वाला कोएफिशिएंट जो है वो जीरो है, यानी कि कोई भी हम ये वाले जो कोएफिशिएंट्स होते हैं वो हम उनको हटा सकते हैं, कि हमें एक ऐसी इक्वेशन फॉर्म करनी है इस इक्वेशन की मदद से जहाँ पर हमारे पास में ये वाला टर्म एग्जिस्ट नहीं कर रहा, वो वाला टर्म एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो इस तरह से हम फोर्थ कैटेगरी बता सकते हैं। फिफ्थ कैटेगरी हम लेते हैं जहां पर हम ये बोलेंगे कि जैसे हमारे पास में जो नई इक्वेशन आ रही है उसके रूट्स जो हैं वो पुरानी वाली इक्वेशन के रूट्स का स्क्वायर है। सपोज हमारे पास में पुरानी वाली इक्वेशन के रूट्स 1, 2, 3 है, तो नई वाली इक्वेशन के रूट्स हैं वो 1² 2² 3², यानी कि 1, 4 और 9 होंगे। और इसी तरह से हम जैसे हम स्क्वायर कर रहे हैं वैसे हम क्यूबिक इक्वेशन भी फॉर्म कर सकते हैं, जहाँ पर स्क्वायर्स जो हैं, जहाँ पर जो नई इक्वेशन के रूट्स हैं वो पुरानी वाली इक्वेशन के क्यूब्स होंगे। इसी तरह से हम स्क्वायर रूट भी ले सकते हैं, क्यूब रूट भी ले सकते हैं और एंड सो ऑन, इस तरह से हम रेस टू द पावर 4 भी ले सकते हैं। ये सारे के सारे एक ही कैटेगरी के हो गए, जहां पर हमें बोल रहे हैं कि खाली रूट्स का स्क्वायर लेना है, क्यूब लेना है, इस तरह से।
हो सकता है हमारे पास में एक और कैटेगरी आ जाए जहां पर हमारे पास में रूट्स हो, सपोज 4, 5 एंड 6, और बोल दें कि हमें एक ऐसी इक्वेशन फॉर्म करनी है जहां पर रूट्स हो जाएं 1/4, 1/5 एंड 1/6, यानी कि रेसिप्रोकल, सबके सब जो रूट्स हैं वो रेसिप्रोकल हो जाए। एक और जो मिसलेनियस प्रॉब्लम्स होंगी जहां पर हम बात करेंगे ऐसी प्रॉब्लम्स की, सपोज हमारे पास में रूट है अल्फा बीटा गामा, तो हमें एक इक्वेशंस कैसे फॉर्म करनी हो सकती है, ऐसे इक्वेशन जिसके रूट्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, गामा स्क्वायर प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर, या 1/α + β, 1/β + γ, 1/γ + α, ये टाइप की जो एक साथ में मैं करा दूंगी जो मिसलेनियस प्रॉब्लम्स होंगी। तो इस तरह से मैं अलग अलग प्रॉब्लम्स को क्लब करूंगी और इस तरह से आपको पूरी की पूरी जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन है वो आपका टॉपिक कवर करूंगी। तो ये मेरा खाली एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, यानी कि जो इसका फर्स्ट पार्ट होगा उसमें हम बात करेंगे कि किस तरह से हम एक ऐसी इक्वेशन को फॉर्म करेंगे जहां पर जो हमारे रूट्स हैं वो के टाइम्स होने चाहिए पुरानी इक्वेशन के रूट्स के। तो सबसे पहले तो हम थ्योरम का प्रूफ करेंगे और उसके बाद में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, और फ्यूचर में इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।